नमस्कार, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन के बारे में। यदि आप एक सिंगर हैं, यदि आप गाना गाते हैं और यदि आप किसी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे और कहाँ सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन, और इस तरह आप खुद की पहचान बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ उस सिंगिंग कंपटीशन के बारे में। उस सिंगिंग कंपटीशन का नाम है सिंग दिल से, और ये सिंग दिल से एक डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन है और इसके जितने भी सीजन्स के एपिसोड्स और वीडियोज़ हैं वो केवल इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किए जाते हैं। ये शो किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर प्रसारित हुआ है। इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई विशेष सर्टिफिकेट या योग्यता की ज़रूरत नहीं है। इस शो में पार्टिसिपेट कौन लोग कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ये सब मैं इस शो के रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ले जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये सिंग दिल से का रजिस्ट्रेशन वाला पेज है और इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे इस पेज पे आ सकते हैं। और देखिए, इस पेज पे लिखा है, क्लियरली आप देख पा रहे हैं, फिर भी जूम करके आपको दिखाता हूँ, सीजन एट सिंगिंग ऑडिशन रजिस्टर्ड नाउ, यानी कि सीजन एट के लिए जो है ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इस पेज पे आने के बाद में देखिएगा, लिखा है पूरा क्लियर, हेलो एवरीवन, गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, सिंग दिल से बैक अगेन विथ सीज़न 8 विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट, यानी सीज़न 8 फिर से ये सिंग दिल से का चालू होने वाला है। तो आपको ये ऑडिशन के लिए रजिस्टर करना होगा और ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है और इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देखिए, इनके इस पेज पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनका क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ पहले आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करने से पहले। ये सारी चीज़ें आप अगर जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इस शो में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि लिखा है, पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नीड टू हैव एनी स्पेशल सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशंस टू पार्टिसिपेट इन दिस शो। ठीक है, इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्लियर लिखा हुआ है, इन दिस सीजन सिंग दिल से कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट है जूनियर 5 to 15 ईयर्स एंड सेकेंड सीनियर 16 to 45 ईयर्स। यानी कि ये सीजन एट जो हो रहा है दो कैटेगरी में होगा। पहला कैटेगरी होगा जिनकी उम्र 5 साल से 15 साल है, और दूसरा कैटेगरी जो होगा वो होगा जिनकी उम्र 16 साल से 45 साल है। तो इसमें दो मेन क्राइटेरिया है सिर्फ इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि आपकी उम्र या तो 5 साल से 15 साल के अंदर होना चाहिए या फिर 16 से 45 के अंदर होना चाहिए। 45 से ऊपर वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं या 5 साल से नीचे के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है ईमेल आईडी के बाद, उसको एज ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एज ग्रुप है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एज ग्रुप आ जाएगा। सबसे पहला जो कंपटीशन का कैटेगरी है वह जूनियर और दूसरा है सीनियर। तो जूनियर अगर आपकी एज 5 से 15 है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे जूनियर वाले को, और यदि आपकी उम्र 16 से 45 है तो आप सीनियर वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से एज ग्रुप आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है उसको। उसके बाद आपको अपना सिटी फिल करना है, आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम फिल करना है। उसको ऑडिशन सिटी आपको सिलेक्ट करना है, देखिए ऑडिशन सिटी पर जैसे मैंने क्लिक किया, जितने भी सिटीज़ हैं जहां पर ये ऑडिशन हो सकता है उन सारी सिटीज़ का नाम है। और उसके बाद स्पीकिंग लैंग्वेज प्रिफर्ड, आपको स्पीकिंग लैंग्वेज प्रिफर्ड में दो ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जो प्रिफर करते हैं, हिंदी करते हैं तो हिंदी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद
तो फिलअप करने के बाद आपको बस यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसके बाद का क्या प्रोसेस है, ये सिंगल से के तरफ से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे आपको ऑडिशन देना है। तो बस यही सिंपल सा चीज़ है, एक सिंपल सा फॉर्म भरना है और आप एक डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, इसके पहले ये शो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और यूट्यूब पर इसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, और ये शो में अभी तक बहुत से लोगों ने अपनी पहचान बनाई है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।